माँ मालिक से कार्विंग की गई है, माँ सुंदरहन कार्विंग की गई है। देखिए आज मेरा कैमरामैन कोई नहीं, आज मैं खुद ही कैमरामैन बनी हुई हूँ। हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़न प्रियंका राज। नया दिन नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको जो इस ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ वो है टेंपल, क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा मेरी वीडियो में एक टेंपल होता है। जी हाँ दोस्तों, वो टेंपल हमारे घर के आंगन में ही है। और जो टेंपल है उसके दो पोर्शन हैं, मतलब उसके दो भाग हैं। एक भाग में है माँ दुर्गा भागासिद्ध माँ, जो सभी दुखियारों के भाग जगाने वाली है। और जो दूसरी तरफ है उसमें है हमारे बजरंग बली, संकट मोचन बजरंग बली, जो सभी भक्तों के संकट हरने वाले हैं। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपको अपने मंदिर का टूर करवाती हूँ। लोग होम टूर कराते हैं, मैं अपने टेंपल का टूर करवाती हूँ कि टेंपल किस तरह से बनाया गया है, कब बनाया गया था और उसमें किस तरह से नक्काशी की गई है। तो ब्लॉग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये यूनिक सी चीज़ है। क्योंकि मैक्सिमम कुल्लू मनाली में जो टेंपल है वो वुडन्स के ही बनते हैं, तो मैं आपको अब इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों देरी किस बात की, बिना किसी देरी के ये ब्लॉग शुरू करते हैं। और थोड़ा सा ब्लॉग बैकग्राउंड में ये थोड़ा सा काम चला है शायद, इसकी आवाज़ आ रही है, बट कोई नहीं, मेरी आवाज़ आपको सुनाई ही दे रही होगी। तो चलिए दोस्तों देरी किस बात की, बिना किसी देरी के ब्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो सारे फूल जो लगाए हैं ये मम्मा ने लगाए, क्योंकि मम्मा को बहुत ज़्यादा फूलों का शौक़ है और मम्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। पहले तो मुझे लग रहा है मतलब काफ़ी सालों से कब से किया ही नहीं है, मतलब जब स्कूल टाइम होते थे तब से तो किया है, बट उसके बाद तो कभी किया ही नहीं है। मतलब जो ये क्यारी है, जो ये सुंदर सुंदर फूल लगे हैं ना हमारे आंगन में, ये सारे मम्मी ने ही लगाए हैं दोस्तों। और क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा फूलों का शौक़ होता है, बहुत ही ज़्यादा, कहीं भी जाते हैं ना मम्मी बस फूल ही देखते रहते हैं कि फूल, ये फूल ले जाऊं, ये फूल ले जाऊं, कहीं कुछ मिले या ना मिले मम्मी फूल घर ज़रूर लेके आती है। ऐसे भी देखते, किसी पड़ोसी के घर में देखा कि अच्छा फूल है, वहाँ से फूल का बीज भी मांग लेगी सिर्फ और सिर्फ घर के आंगन को सुंदर बनाने के लिए, क्योंकि घर का आंगन सुंदर लगना चाहिए। ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये तुलसी मैया जी का है, ये भी मम्मी ने लगवाया है, स्पेशल बनवाया था। ये इस तरह से डिज़ाइन आपको दिख रहा होगा पीछे, एक मिनट मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये डिज़ाइन भी मम्मी ने ही डिसाइड किया था कि इस तरह से बनेगा हमारे आंगन में तुलसी मैया का। और ये है तुलसी मैया जी का, अभी तुलसी मैया की मंगनी हुई है, फिर दशहरे टाइम पे शादी होती है। तो ये देखिए अभी मम्मी ने यहाँ पे पूजा की है। और ये जो तुलसी मैया के ऊपर इस तरह से बनाया है, ये भी मम्मी ने बोला था, क्योंकि बारिश की ये जो है ये बाहर ओपन में है, तो क्या होता है कि जैसे कई बार बारिश हो जाती थी जिस वजह से जो दीपक है और जो धूप है ये बुझ जाता था, तो मम्मी ने ही पापा को बोल के ऐसा करने के लिए बोला था। वैसे मेरी मम्मी के पास आइडिया बहुत अच्छे अच्छे हैं। और ये देखिए इधर को फूल लगाए हुए हैं, अभी मैं आपको थोड़ा दूर से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं तुलसी तेरे आंगन की, ये हमारी तुलसी मैया, जय माता दी। तो दोस्तों इंतज़ार ख़त्म हुआ, दोस्तों ये है हमारा टेंपल। ये देखिए बाहर से पूरा टेंपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऊपर कितने सुंदर सुंदर बादल है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके दो पार्ट किए गए हैं, इस तरफ है माता रानी और इस तरफ है बजरंग बली जी, मतलब इसके दो डोर हैं। तो चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। ये जो पैर है मैंने माँ लक्ष्मी जी के बनाए थे पिछले साल दिवाली में और ये मैंने रंगोली भी बनाई थी, देखिए दोस्तों अभी तक है, क्योंकि मैंने ये जो पेंट होता है उससे बनाई थी। बात सबसे पहले मैं आपको यहाँ से पिलर से शुरू करती हूँ। ये हमारी एंट्रेंस, देखिए एंट्रेंस पे ही भगवान विष्णु जी के दर्शन हो गए हैं। ये हमारे भगवान विष्णु जी हैं और इस तरफ से है शिव जी, भगवान जी, भगवान शिव, जय श्री राम। ये ऊपर कार्विंग की गई है। और ये जो मंदिर बना है ये बना है 2017 में, जय माँ भागासिद्ध। ये 2017 में कंप्लीट हुआ था दोस्तों, वैसा बनना तो 2015 से शुरू हुआ था, शायद दो साल लग गए थे इस मंदिर को बनने में। उस समय मैं ग्रेजुएशन से पास आउट हुई थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सबसे पहले ये हमारा टेम्पल का मेन, जो इस साइड माता रानी का है और इस तरफ है बजरंग बली जी का। तो माता रानी के जो ये डोर है इस पे देखिए नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर हैंड कार्विंग की गई है, देखिए बहुत ही सुंदर। और इस तरफ माता रानी,
बिल्कुल ऐसे साक्षात लग रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, वर्क किया इस लकड़ी पे, वुलन के इस पे इसके डिज़ाइन। और यहाँ पे गणपति जी भी बनाए हुए हैं। और अगर आपको मैं ऊपर दिखाऊँ तो ये देखिए, ये हमारा टेंपल है और इस पर मतलब सारा हैंड कार्विंग की गई है वुडन के उस पर, और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये टेंपल। और ये देखिए दूर में इस तरह से यहाँ पे ये है स्नेक बनाया, ये स्नेक बनाया हुआ है ये इस तरह, और ये है स्नेक इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बजरंग बली जी की साइड है, वैसे इस साइड भी सेम वर्क किया गया है। दर्शन में आपको इकट्ठे करवाऊँगी क्योंकि अभी मम्मी अंदर माता जी का स्नान कर रहे हैं, बजरंग बली जी का करेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम कर रहे हैं माता रानी के दर्शन, माँ भागा सीत नव दुर्गा माँ जय माता दी। ये देखिए मम्मी ने कितना सुंदर श्रृंगार किया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर श्रृंगार किया है माता रानी जी का। और जो दोस्तों माता रानी के ये आपको बाल दिख रहे होंगे, मम्मी क्या करते हैं, कभी इसके गुत बना देते हैं, कभी इसके पौनी कर लेते हैं, कभी खुले रख लेते हैं। मम्मी माता रानी का इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं कि सब ये देख के हैरान होते हैं कि मतलब मम्मी के दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज कहाँ से आते हैं। मम्मी हमेशा सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं माता रानी को। और ये है हमारे गणपति जी, और इस तरफ है हमारी छोटी सी मूर्ति माता रानी की, क्योंकि सबसे पहले जब हमने मंदिर बनाया था ना दोस्तों, तो हमने ये वाली मूर्ति लेके आए थे माता की, फिर जब थोड़ा मंदिर बड़ा बन गया तो फिर हम माता रानी की बड़ी सी मूर्ति भी ले आए। तो ये है माता रानी जी। तो दोस्तों अब मैं आपको दर्शन करवाने जा रही हूँ बजरंग बली जी के। ये है हमारे बजरंग बली जी, जय बजरंग बली, संकट मोचन बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, जय श्री राम, ओम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमः। और दोस्तों ये है हमारे बजरंग बली जी की मूर्ति, और ये पत्थर पे इसकी कार्विंग की गई हुई है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मूर्ति है, बहुत ही पुरानी मूर्ति है। तो ये थे हमारे एक तरफ बजरंग बली जी। तो दोस्तों ये था इस तरह से मतलब मंदिर के दो पोर्शन किए गए हैं। और दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल गई, और जैसे ये मंदिर पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है, ये जो पत्थर जो नदी से मिलते हैं ये इनको अच्छे से कटिंग करके यहाँ पे लगाया गया है। और हाँ दोस्तों यहाँ पर लकड़ी में ये माँ से कार्विंग की गई है। माँ हम भागा सिद्ध माँ लिखना चाहते थे पर वो थोड़ा कम हो रहा था, तो हमने इसमें माँ ही लिखा दिया, मतलब मंदिर के पूरे गोल दायरे में बस माँ लिखा गया है। और ये आइडिया भी मम्मी का था मम्मी पूरा आइडिया लगाती है, मुझे लग रहा मम्मी आर्किटेक्चर ही बनना चाहती थी। ये तो था मेरे मंदिर का डिज़ाइन, आपको मंदिर कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। दोस्तों अब पूजा का भी समय हो चुका है, और मम्मी ने भी पूरी पूजा की तैयारियां कर ली है। जय माता दी मम्मी, बस अब हम पूजा करने के लिए मम्मी अंदर जा रहे हैं। और दोस्तों जैसे अंदर जो ये जगह है ना माता की गृह स्थल है, इस जगह पे सिर्फ जो पूजा करते हैं है ना, या जिन्होंने चोलू पहना होता है या धोती पहन के ही माता के अंदर मंदिर में जा सकते हैं अंदर, बाकी हम लोग यहाँ बाहर बैठ सकते हैं। यहाँ बरामदा जो ये माता का बरामदा है, यहाँ पर बाकी भक्तजन यहाँ पर बैठ जाते हैं, और जैसे मम्मी हो गए पापा हो गए जिन्होंने मतलब धोती पहनी हो या चोलू पहना हो वो लोग अंदर जाते हैं। तो चलो अब मैं आपसे पूजा के बाद मिलती हूँ, थोड़ा सा आपको पूजा का दिखाती हूँ, और बाकी मिलते हैं दोस्तों।
ये लो दोस्तों, आप सब भी आरती ले लीजिए और अपनी सब मनोकामना पूर्ण कीजिए। ठीक है मम्मी, मैया जी का आशीर्वाद। चलो पूजा संपन्न हो गई अब हमारी। दोस्तों जैसा कि सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ये पूरा जो एरिया है, ये जो पूरा नीचे आंगन बर्फ़ से भर जाता है, तो सर्दियों में और मंदिर के अंदर तो नंगे पैर जाना पड़ता है, मतलब शूज़ निकाल के जाना पड़ता है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो हमने मम्मी के लिए, वैसे मैक्सिमम टाइम मम्मी ही पूजा करते हैं, तो मम्मी के लिए यहाँ लगाया। एक मिनट मेरे पीछे आइए, आज मेरा कैमरामैन कोई नहीं, आज मैं खुद ही कैमरामैन बनी हुई हूँ। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों सर्दियों में हम यहाँ पर जो मंदिर के जो भी बर्तन होते हैं, जैसे घी के होते हैं, मैक्सिमम दीपक होता है, तो वो यहाँ धो देते हैं, तो सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम गर्म पानी के लिए हमने ये लगाया एक मिनी गीज़र। वैसे ये अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा आप लोगों को, ये गर्म पानी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और यहाँ ऊपर हमने लगाई है एक शीट, जिससे कि अगर बर्फ़ आए तो वो यहाँ पर ना गिरे, क्योंकि साइड में सारी जगह बर्फ़ गिर जाती है। ये देखिए एक और वाइट रोज, मम्मी ने स्पेशली लगवाया ये वाइट रोज। और फिर बस ये तो था मंदिर दोस्तों, ये तो था हमारे घर का मंदिर। आपको हमारा मंदिर कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। और दोस्तों इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।